Welcome back. This is the MJ Show. I have Roop Kumar and Sunali Rathod here with me on the show. I hope you've caught part one, because if you've not, you missed out the first song of the day already, which was also the first song that they recorded in their first ever album. So we're going to talk about their new album, Zikr Tera. But we said that just before we went into the break, I said that we're going to talk about their Bollywood journey. So Roop ji, aapke Bollywood journey ke baare mein baat karte hain. I mean, it's been a long journey. Bahut sare filmon mein apne gaane gaaye hain. So Roop ji, if I have to ask you, you know, some of the songs jo aapke liye bahut important the, jiske karan you could say those were sort of landmarks in your musical journey, in your musical career, what would they be? Mihir, to be very frank, maine kabhi ye socha nahi tha ki mujhe playback singer banna hai. Because main stage ka kalakar hoon, main bachpan se stage pe raha. Right. Aur ghazlon mein bhi stage par jo hai wo live audience mein zyada maza aata tha. Right. To kabhi ye socha hi nahi ki filmon ki taraf jana hai. In fact, Sonali ke jo guru ji hain, Pandit Radhanath Mangeshkar ji, wo lekin bana rahe the. Okay. Aur usme ek gana tha सुरमई शाम. तो उन्होंने पहले मुझे पूछा कि तुम गाओ ये गाना, मेरी फिल्म है और मेरा म्यूजिक है. तो मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो प्लेबैक सिंगर बनने की कोई इच्छा नहीं है. तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि यार ये पहला सिंगर होगा जो बोल रहे हैं मतलब मुझे प्लेबैक सिंगिंग नहीं करनी. उसके बाद में फिर हियर लेट मी इंटरप्ट दिस बिकॉज़ हियर आई रिमेंबर अ वेरी वेरी नाइस एनेक्डोट. जब मैं कुछ 12 साल की थी, सो आई माई मदर वॉन्टेड मी टू लर्न अंडर पंडित रघुनाथ मंगेशकर जी. तो उनको किसी तरह ढूंढा और ऑफकोर्स ही वॉज वॉट ही इज, एंड उन्हें घर पर बुलाया. वी इन्वाइटेड हिम ओवर एंड माई मदर सेट के मेरी बेटी को आप सिखाइए. तो उन्होंने कहा मैं तो गाना सिखाता नहीं हूँ किसी को ऐसे, लेकिन ठीक है मैं अभी आ गया हूँ बिकॉज ही हैड कम विथ अ वेरी गुड रेफरेंस. तो मैं आ गया हूँ तो चलो मैं बात कर लेता हूँ आपकी बेटी से. सो ही मेट मी एंड ही सेड अच्छा अच्छा क्या गाती हो सुनाओ. तो मैंने कोई फिल्मी गाना सुनाया उनका. अच्छा फिल्म के गाने गाती हो, तुम्हारे घर में तानपुरा है क्या? तो मैंने कहा हाँ तानपुरा है, माई मदर वॉज अ क्लासिकल डांसर एंड शी ऑल्सो वॉज अ सिंगर. तो तानपुरा भी घर में पड़ा था. तो क्या चलो हम मैं सिखाऊंगा तुमको, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुमको क्यों गाना सीखना है. तो आई सेड हाँ ऑब्वियसली फिल्मों में गाना है. आई मीन दैट वॉज माई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मिहिर अपने हिंदुस्तान में जो है, जब कोई भी यूथ, एनी यूथ ही वांट्स टू बिकम अ सिंगर, इट्स अज्यूम्ड बाय नॉट ओनली बाय हिम, द अल्टीमेट गोल इज फिल्म सिंगिंग. करेक्ट. विच इज रियली सैड बिकॉज देर आर सो मेनी अदर जॉनर्स एंड सो मेनी अदर काइंड ऑफ सिंगिंग. करेक्ट. सो ही आस्क्ड मी कि तुमको क्या क्यों गाना है. तो मैंने कहा मुझे फिल्मों में गाना इसलिए सीखना है और आप लता जी के भाई है. सो इट वॉज ही जस्ट लाफ्ड, इधर अच्छा अच्छा ठीक है. लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे सीखना शुरू किया और कुछ ही 6 महीने 1 साल में ही यूज्ड टू टीच मी क्लासिकल म्यूजिक, और 1 साल बाद आई हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग अबाउट फिल्म म्यूजिक. लाइक आई वॉज टोटली इन्वॉल्व इन क्लासिकल. And of course, वो सिलसिला आज तक चल रहा है. वो सिलसिला आज तक चल रहा है, फिल्मों में गाया ही नहीं आया. I know. लेकिन मेरा ये था कि मेरा वो पहली अपॉर्चुनिटी में से हो गई. उसके बाद फिर एक और फिल्म बनी आस्था, जिसमें लता दीदी के साथ ही एक गाना मुझे डुएट गाना था और रदना जी का म्यूजिक था. तो वो गाना हमने फिर रिकॉर्ड किया और वो थोड़ा सा क्लासिकल बेस पे था. और लेकिन वो भी फिल्म आई नहीं. और फिर मेरा जो ब्रेक, मुझे फिल्मों में ब्रेक मिला, वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की फिल्म थी. महेश भट्ट डायरेक्टर थे और यश जौहर जो करण जौहर के फादर हैं वो प्रोड्यूसर थे. और फिल्म थी गुमराह. गाना था मैं तेरे आशिक हूँ तुझसे इश्क करना चाहता हूँ, संजय दत्त हेड वेड लेके गाता है. तो वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ और वहाँ से फिर ये सिलसिला शुरू हुआ. फैबुलस. सो अगर ओके, इवन इफ इट्स नॉट दिस सॉन्ग, इफ यू हैड टू सिंग वन सॉन्ग फॉर ऑल योर फैंस हु लव्ड योर म्यूजिक इन बॉलीवुड, कौन सा ऐसा एक गाना है जो आपको हमेशा अभी आपके लाइव कॉन्सर्ट्स में, इवन इफ यू आर डूइंग अ गजल कॉन्सर्ट, कोई तो वहां से चिल्लाता है, बोलता है नहीं आपको ये तो गाना ही होगा, विच इज दैट सॉन्ग? वो गाना मैं आपको सुनाता हूँ. बिल्कुल. मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला आँख तेरी इतनी हसीन,
मैं बन गया हूँ, मुझको बसा ले इनमें तू। वाओ, नहीं आपने ये क्या है, ये टीज हो गया सिर्फ, इट्स लाइक लिटरली थोड़ा थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और। We are not even gonna cut. मेरी फरमाइश का भी होगा। हाँ, आपकी फरमाइश का भी एक होगा, मगर इसका एक लाइन तो और हो जाए, नहीं तो ये लोग मेरे कहेंगे कि ये क्या है, उन्होंने एक लाइन गा के छोड़ दी। नजर ऊंची कर दी, दुआ बन गई, नजर ऊंची कर दी, दुआ बन गई, नजर नीची कर दी, हया बन गई, नजर तिरछी कर दी, अधा बन गई, और नजर फेर ली तो कजा बन गई। मेरा दिल यही बोला, मेरा दिल यही बोला, राज ये उसने है मुझ पर खोला, के है इश्क मोहब्बत जिसके दिल में, उसको पसंद करता है मौला। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, और जैसे आपने कहा आपकी भी मेरी फरमाइश, बिल्कुल बिल्कुल, जो गाना मुझे बहुत ही पसंद है, हाँ, दिल को तुमसे प्यार। अरे वाह, खो गया मैं ख्यालों में, अब नींद भी नहीं आंखों में, करवटें बस बदलता हूँ, अब जागता हूँ मैं रातों में। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, कुछ ना करो। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो फिल्मों के तो बहुत सारे गाने हैं, और आप जानते हैं, आप YouTube पे ढूंढिए या यू नो विकीपीडिया पे इनके पेज पे देखिए, बहुत सारे गाने हैं, और यू कैन स्पेंड आवर्स जस्ट लिसनिंग टू हिज फिल्म सॉन्ग। बट लेट्स गेट बैक टू योर म्यूजिक। सो आपके फर्स्ट एल्बम से इस एल्बम तक, इस पूरे जर्नी में, ऐसा कोई एक गाना, या एक्चुअली काफ़ी सारे गाने होंगे, एक गाना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट अगर आपको कहा जाए कि एक कोई गाना है जो अभी भी आपके लाइव कॉन्सर्ट्स में आप गाते हो, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, या कोई ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी हो उस गाने के पीछे, तो उसके बारे में। एक एल्बम हमने किया था उस्ताद अमजद अली खान साहब के साथ में, उसका टाइटल था वादा, और गुलजार साहब की शायरी थी उसमें, और बहुत ही खूबसूरत एल्बम था, कि ऐसा कोई ज़िंदगी से वादा तो नहीं था, तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था, और ललिता गौरी एक राग जो है बड़ा अछोभ राग है, उस राग में कंपोज़ किया था, और जब मैंने इसे सुना और जब इसको रिकॉर्ड किया, तो आज तक कोई ऐसा कॉन्सर्ट नहीं होता कि जिसमें ये गाए बिना लोग मुझे छोड़ते हैं, और बहुत ही, और इतने म्यूजिशियनों के फ़ोन आए इस गाना सुनने के, ये गीत सुनने के बाद में, तो वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। सो थोड़ा सा हो जाए। तेरे लिए रातों में चांदनी उगाई थी, चांदनी उगाई थी, क्यारियों में खुशबू की रोशनी लगाई थी, जाने कहाँ टूटी है डोर मेरे ख्वाब की, जाने कहाँ टूटी है डोर मेरे ख्वाब की, ख्वाब से जागेंगे सोचा तो नहीं था,
सोचा तो नहीं था ऐसा कोई जिंदगी से वादा तो नहीं था तेरे बिना जीने का इरादा तो नहीं था वाह ब्यूटीफुल And yes, like you said, very different in terms of the musical composition. Beautiful, beautiful. Meri ek request hai aap se ki, you know, back in the day, I used to do a radio show. All India Radio pe main radio show karta tha. Most of my shows were in English, but mera ek Hindi R tha, jisme maine decide kiya tha ki main non-Bollywood music hi bajaunga. Aur tab ek Sony Music ne ek album release kiya tha, I think it was called Teri Justajoo. Teri Justajoo. Aur usme aapka ek gana tha, jo bahut popular ho gaya tha. Aur main aapko batata hu, tab aapse meri mulaqat nahi hui thi, magar main aapka wo एक गाना मैंने जितने बार बजाया शायद किसी और रेडियो जॉकी ने मुंबई में बजाया नहीं होगा बिकॉज़ आई रियली रियली फेल इन लव विद दैट सॉन्ग सो प्लीज अगर वो गाना आप थोड़ा परफॉर्म करें मेरे लिए भी और आई एम श्योर ऑल ऑफ सिर्फ अच्छा सिर्फ मेरे लिए यस लेट्स डू दिस गबरी नगर जाने बगैर सांवरे 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 तेरे बिन सोनी सोनी है अखियां तेरे बिन लम्हा लम्हा है सदियां सोना सोना जहां लग रे सांवरे 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 What a note to close this segment on. एक छोटा सा ब्रेक होगा और इसके बाद हम बात करेंगे जिक्र तेरा के बारे में. Do not go anywhere.